अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डुमरांव इकाई के कार्यकर्ताओं ने एसटीईटी परीक्षा रद्द के खिलाफ एवं छात्रों के रूम रेंट शिक्षण शुल्क माफ करने आदि को लेकर बिहार सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया। युवाओं ने विधिवत हवन कुंड बनाकर पारंपरिक तरीके से अग्नि प्रज्वलित कर आहुति दी। सभी ने एक सुर में ईश्वर से प्रार्थना किया है कि ईश्वर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सद्बुद्धि प्रदान करें। बक्सर एवं भोजपुर जिले के विभाग संयोजक दीपक यादव ने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है और इस चरमराई शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए बिहार का छात्र युवा नौजवान कमर कसकर मैदान में आ चुका है। यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आई तो बिहार का युवा नौजवान नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर देगा। बिहार सरकार के द्वारा एसटीईटी की परीक्षा को रद्द करना छात्रों के भविष्य के विरुद्ध उठने वाला कदम बताया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय कार्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सद्बुद्धि के लिए ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वो बिहार के युवाओं के भविष्य की चिंता करें, इसलिए सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और आज इस महायज्ञ के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि मिले ताकि बिहार के युवाओं का भविष्य के बारे में यह मुख्यमंत्री सोच सके, वरना बिहार का युवा आंदोलन का शंखनाद कर चुका है, इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को कुर्सी से निकालकर फेंक देगा। यह बिहार की युवा की, बिहार के नौजवानों की, बिहार के छात्रों की जुबान है।